हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम से कई सालों से बच्चों के अपहरण और गुमशुदगी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के मुस्कान ऑपरेशन और मिसिंग सेल के तहत कई विरक्ते परिवारों को उनके बच्चे जरूर मिल गए हैं, लेकिन फिर भी कई परिवार आज भी अपने गुमशुदा बच्चों को देखने के लिए तरस रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार गायब होते मासूम पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। हाल ही में गुरुग्राम में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां रिश्तों की डोर में फंसाकर या फिर ट्रॉफी का लालच देकर मासूमों की अस्मिता के साथ सौदा हुआ है। ऐसे मामलों में गुरुग्राम पुलिस के मिसिंग सेल के बावजूद आज भी सैकड़ों मासूमों की गुमशुदगी और अपहरण के मामले में गुरुग्राम पुलिस के हाथ कोई खास सुराग नहीं लग पाया है। जानकारों की माने तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के धंधे से जुड़े लोगों की सेटिंग दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, हरियाणा से लेकर साउथ इंडिया के कई शहरों में है। दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को बेचा जाता है। वहां बच्चों को बड़े लोगों के घरों में काम के लिए लगाया जाता है। इतना ही नहीं, हरियाणा और राजस्थान में सबसे ज्यादा लड़कियों की सप्लाई होती है। वहाँ कई ऐसे कस्बे और गांव हैं जहाँ लड़कियों को शादी करने के लिए बेचा जाता है और जिन्हें खास तौर पर मोल की बहू कहा जाता है। 10 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों के गायब होने के पीछे ये भी माना जाता है कि बड़े पैमाने पर भीख मंगवाने वाले गैंग्स भी एक्टिव हैं। सिटी में आधा दर्जन से ज्यादा गैंग्स अपना जाल बिछाए हुए हैं। यहाँ एक्टिव गैंग के मेंबर्स बच्चों को चोरी करने के बावजूद दूसरे शहरों में सक्रिय गैंग को ट्रांसफर कर देते हैं। इसी तरह दूसरे शहरों से चोरी किए गए बच्चों को गुरुग्राम लाकर भीख मांगने वाले सक्रिय गैंग को बेच दिया जाता है। बच्ची 3 साल की थी, अब तो करीब मान चले कि 6 साल के आसपास हो गई होगी बच्ची अब तो। अच्छा, 3 साल हो गए तकरीबन। 3 साल हो गए सर। क्या कुछ हुआ था उस दिन, एक बार बताएंगे? बच्ची कैसे सदर बाजार पहुंची? सदर बाजार में वाइफ हमारी थी और सिस्टर, दोनों आए थे शॉपिंग करने। तो शॉपिंग करने में करते समय में कोई सामान ये ले रहे थे, वो सामान को इंटरचेंज करते में ही इतने देर में बच्चा बोले वो गायब हुआ है। तब तक हमारे पास ही फोन आया, हमारे दोस्त भी थे, मित्र थे, जो सबको फोन किया, हमने भी थाने पर भी गए, बट FIR दर्ज हुआ। काफी लोगों ने कोशिश भी करी बट रिजल्ट जीरो निकला। अभी आज तक तो 3 साल हो गए, 3 साल में अभी रिजल्ट जीरो ही है। तो क्या पुलिस अब आपसे कांटेक्ट करती है किसी चीज को लेकर? नहीं, अभी तो सर कोई कांटेक्ट नहीं करती पुलिस। बस वही 1-1.5 साल जो बात हुई थी, करीब 1.5 साल से कोई बात ऐसी है। जो लेके गया था उसकी कोई फोटो वगैरह कुछ कैप्चर हुआ था कहीं सीसीटीवी? हाँ सर, सीसीटीवी कैमरा वो कैप्चर हुआ है और कुछ वीडियो क्लिप भी है, थाने पे भी है वो, और कुछ हमने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी हमने डाला हुआ है। क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे गायब होते हैं? गुरुग्राम पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो साफ हो जाता है कि गुरुग्राम में मासूम सुरक्षित नहीं है। 2012 से अभी तक 1428 लड़के लड़कियां गुमशुदगी या फिर अपहरण जैसी वारदातों का शिकार हुए हैं, जिनमें से 938 लड़कियां गुमशुदा हुई हैं या फिर उनका अपहरण कर लिया गया है, जबकि इसमें से पुलिस ने 518 लड़कियों को सकुशल बरामद भी किया है, लेकिन 420 लड़कियों का अभी तक कोई सुराग गुरुग्राम पुलिस को नहीं मिला या फिर चिल्ड्रन मिसिंग सेल को नहीं मिला है, जबकि नाबालिग लड़कों की स्थिति भी साइबर सिटी में गुमशुदगी या फिर अपहरण की ज्यादा सुधरी नहीं है। इसमें भी बीते 7 साल यानी 2012 से 2019 तक 489 नाबालिग लड़के गुमशुदा हुए या फिर उनका अपहरण कर लिया गया, जिनमें से 235 को गुरुग्राम पुलिस ने सकुशल बरामद किया, लेकिन इनमें भी तकरीबन 254 लड़कों का कोई सुराग गुरुग्राम पुलिस नहीं लगा पाई। यानी आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 5 साल में तकरीबन 674 लड़के लड़कियां अभी भी ऐसे हैं जिनका कोई सुराग तक प्रदेश की सर्वाधिक हाईटेक हो चली गुरुग्राम पुलिस के पास हो।
2019 में तकरीबन 139 लड़कियां और 44 लड़के साइबर सिटी से अगवा हुए या फिर गुमशुदा हुए और इनमें से सिर्फ 44 लड़कियों को बरामद किया गया, यानी 95 लड़कियां अभी भी बरामद करनी बाकी हैं। और बीते साल 2018 में भी तकरीबन 182 लड़के लड़कियां यहां से गुमशुदा हुए, यानी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन नोनिहाल अभी भी अगवा या लगातार गुमशुदगी के शिकार होते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो समय समय पर ऑपरेशन चलाते रहते हैं और ये ऑपरेशन मुस्कान में भी बड़ा सराहनीय कार्य किया गया था पुलिस के द्वारा और उसको जल्द ही दोबारा से भी ये स्टेट लेवल पे शुरू किया जाएगा और जब भी शुरू होगा ये उसमें फिर भी उसमें पूरे भरसक प्रयास किए जाएंगे। अभी तक इस तरह के ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए मामले ज़्यादा सामने नहीं आए हैं। ऑलमोस्ट कुछ बच्चे नाराज होके घर से चले जाते हैं, कुछ को कोई बहका के लेके चले जाते हैं और इस तरह के मामले ही ज़्यादा आते हैं। खासकर बच्चियों में ये है कि भी उनको बेला फुजला के कोई उनका मेल फ्रेंड जो है वो लेके चले जाते हैं, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सामने आ रही हैं जिसमें समाज में जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं गुड़गांव निवासियों से ये अनुरोध भी करूंगा कि वो अपने बच्चों की समय समय पर काउंसलिंग करते रहें और उनकी थोड़ी सी केयर भी करें इस मामले में भी, हमारे बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, कोई किसी के बहकावे मारने की संभावना तो नहीं है। अपने बच्चे पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो इस तरह की घटनाओं को अवॉइड किया जा सकता है। हरियाणा में गायब हो रहे मासूमों को उनके माता पिता से मिलवाने के लिए पुलिस ने मुस्कान कार्यक्रम भी चलाया था, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा। शहरों में बच्चों को गायब करने वाले गैंग्स इनके अंगों की तस्करी में भी शामिल रहते हैं। ये लोग बच्चों को बाहर दूसरे राज्यों में या फिर विदेश ले जाते हैं, जहां ऑपरेशन करके इनके अंगों को भी निकाल लिया जाता है। फिलहाल पुलिस इन सभी मामलों को बारीकी से जांच करने की बात कह रही है। ऐसे में देखना होगा कि गायब होते मासूम और बिलखते परिजनों के दर्द पर पुलिस सुरक्षा का मरहम कब तक लगाती है। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से संजय राठौर की रिपोर्ट। कहां गए मासूम, ये बड़ा सवाल है और इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर शालिनी यादव जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर यहां मौजूद हैं। शालिनी जी, स्वागत है आपका। एक बड़ा सवाल है ये कि और ये आंकड़े बहुत भयावह, बहुत डरावने हैं कि आप जिसको साइबर सिटी कह रहे हैं, जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पुलिस जो है सबसे ज्यादा इक्विप्ड होगी, जहां आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे ज्यादा मॉडर्न पुलिसिंग होगी, वहीं ऐसे भयावह आंकड़े। गौरव जी, ये वाकई में भयावह नहीं, एक बहुत ही निर्दयी स्थिति भी है। आज के युग में जब हम देखते हैं कि इस वक्त जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा निशाने पे, सबसे ज़्यादा अब्यूज्ड जो सेगमेंट है वो महिला और बच्चे हैं, और जबकि सरकार ने कई ऐसे चाइल्ड प्रिवेंशन एक्ट्स बनाए हैं, लेकिन उनका कितना अमल होता है ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया जो है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में वर्ल्ड में बहुत ही उसकी जो रैंकिंग है वो काफ़ी हाई है। इतने बच्चे हमारे यहाँ से किडनैप होते हैं हर साल, और इसमें कैलाश सत्यार्थी जी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 2014 में, जो कई सालों से बच्चों को ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनका जो नोबेल प्राइज़ मिलना था, मेरा मानना है कि उससे काफ़ी इस बारे में एक अवेयरनेस तो क्रिएट हुई है। जैसे लोगों ने अब कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बना लिए हैं जहाँ पे मिसिंग चिल्ड्रन के लिए लोग फोटोग्राफ्स वगैरह डालते हैं, और इन चीज़ों से बच्चों को ट्रेस करना थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। लेकिन वाकई में जो बात आप कह रहे हैं कि गुड़गांव में क्यों, तो एक चीज़ और हमें समझनी पड़ेगी कि कॉस्मोपॉलिटन टाउन्स जो होते हैं, जहाँ पे लोग गाँव से आते हैं, हर जगह से आते हैं, रोजी रोटी की तलाश में आते हैं, वहाँ पे हम इतने अर्बन घेटोज देखते हैं, यानी गरीबी देखते हैं, हम इस तरह के लेबर क्लास का मूवमेंट बहुत देखते हैं। इनके बच्चे जो हैं स्पेशली जो हैं वो बहुत टारगेटेड रहते हैं, क्योंकि माँ बाप जब चले जाते हैं काम पे, क्योंकि इन शहरों में रहना भी आसान नहीं है, महंगाई बहुत है, जब ये चले जाते हैं तो इनके बच्चे पीछे से बिल्कुल वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि जो पारिवारिक जो एक तरह का ढांचा होता है जो गाँव में इनको मिलता है सुरक्षा के लिए, वो भी इनके पास नहीं होता है। तो बच्चे सबसे वल्नरेबल सेगमेंट होते हैं, और बच्चों की जितनी मूवमेंट होती है आजकल हम देखते हैं कि बाहर भी, सिर्फ इस तबके में नहीं, अगर बच्चे कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं, स्पेशली जब हम सोशल मीडिया की जहां आजकल बात करते हैं, दूसरे लेवल की जब हम बात करते हैं,
तो पहले ये था कि आप दरवाजा बंद करो तो आपका बच्चा आपके घर में सेफ है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया इंटरनेट की पेनिट्रेशन इतनी है कि उसमें आपके बच्चा आपका बच्चा आपके घर में बैठा हुआ, कमरे में बैठा हुआ, उसे कौन किस तरीके से टारगेट कर रहा है वो आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, ये दूसरे लेवल, लेकिन पहले लेवल की जो आप बात कर रहे थे कि वो तबका जो गरीब तबका है, जब जो मजदूर है जिसके माँ बाप दोनों मजदूरी करने चले गए और बच्चे आसान टारगेट हैं, उनके साथ क्या ये भी है कि उनके सुनने वाले लोग कम हैं, वो दौड़ भाग बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाते, उनकी अप्रोच कम है, पुलिस में हो पावरफुल वो कम है, तो इसलिए भी आसान लगता है कि चलो ये दो दिन दौड़ेगा, तीसरे दिन उसको लगेगा कि अगर तीसरे दिन भी गया तो खाने के लिए पैसे नहीं आएंगे, इसलिए वो थाने जाना बंद कर देगा, पुलिस वाले भी इसकी कम सुनेंगे, क्या इसलिए भी वो आसान टारगेट है? देखिए गौरव, जो बात आप कह रहे हैं वो सही है, लॉज जो हैं वो गरीब को उतनी आसानी से नहीं मुहैया होते हैं, लीगल सिस्टम्स भी जो हैं उसमें जो दौड़ भाग लगती है जिसकी बात आप कह रहे हैं, फॉलो अप्स जो कहते हैं आप, क्योंकि सिस्टम इतना स्लो है इस चीज़ को टारगेट करने के लिए, जो नेटवर्क्स हैं पुलिस के भी जो अपने नेटवर्क्स हैं या मिसिंग चिल्ड्रन को ट्रैक करने के जो नेटवर्क्स हैं, उस वो पूरा जो एक नेटवर्क है वो अपने आप में इतना कमजोर है कि अगर कोई बच्चा गुमता है तो वाकई में जो गरीब है उसके पास ना तो लीगल रिकॉर्स है, ना ही वो पुलिस को फॉलो अप कर सकता है, ना ही उसके पास ये सोशल मीडिया या पढ़ा लिखा होने का जो एक स्ट्रेंथ है, और ना ही उसके पास वो किसी भी तरीके से वो संसाधन नहीं है जो वो जुटा पाए कि जिसके लिए वो अपने बच्चे के सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढने में अपना वक्त लगा दे। तो इसलिए ये चीज जो चाइल्ड ट्रैफिकर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि गरीबी एक बहुत बड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप है, एक अभिशाप है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। संजय राठौर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। संजय, ये जो आंकड़े हैं ये बहुत डराने वाले हैं, गुरुग्राम पुलिस के पास इसके लिए कोई अपना पक्ष रखने के लिए कुछ है क्या? जी बिल्कुल गौरव, मैं बताना चाहूंगा, हालांकि पिछले 7 साल की हम बात करें काफी जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, और साथ ही साथ हम 2018 से 19 की बात कर रहे हैं 30 नवंबर तक की, तो काफी मामले बढ़े जरूर हैं, लेकिन साफ तौर पे जो हम पुलिस की बात करें कहीं ना कहीं पुलिस पल्ला झाड़ती नजर साफ आ रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हमने ऐसे बच्चों के लिए उनको माँ बाप तक पहुंचाने के लिए मिलवाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान जरूर चलाया था, जिसमें कि कुछ बच्चों को उनके परिवार तक पहुंचा दिया गया था, लेकिन आंकड़ों की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा है, और कहीं ना कहीं पुलिस इस बात को भी स्वीकार करती है कि जो ये इनका ऑपरेशन है कहीं ना कहीं चलाया जरूर गया था, लेकिन जो इस ऑपरेशन की जिस लेवल पे इनको काम करना था वहां तक ये नहीं कर पाए, यही एक बहुत बड़ा कारण है कि नहीं। संजय, इसमें एक पॉइंट और जो है जो जहन में सवाल आता है कि सिर्फ ये जो बच्चे हैं आप ऑपरेशन मुस्कान चलाकर उन बच्चों को ट्रेस करके वापस ले आते हैं यही आपका काम है और इससे काम चल जाएगा, क्या वो लोग जो ये कर रहे हैं वो जो गिरोह सक्रिय हैं उनकी धरपकड़ उनके ऊपर शिकंजा कसना उससे ज्यादा बेहतर नतीजे आएंगे? पुलिस क्या इन दोनों में फर्क समझ रही है? जी बिल्कुल गौरव, कहीं ना कहीं जो पुलिस है उनका साफ तौर पे जब हमारी एसीपी क्राइम से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा था कि जो बच्चे हैं इनको बचाने के लिए हमारी यानी पुलिस की तरफ से एक ऑपरेशन जरूर चला गया, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कुछ टीमें अलग से हमने बनाई हुई है जो कि ऐसे ग्रह पर नजर रखें और उनको दबोचें। वो आंकड़ा भी कुछ पेश कर पाई पुलिस की? 7 सालों का जो आंकड़ा है इसमें बच्चों के गायब होने का तो है, कितने बच्चा चोर लोगों को बच्चा चोर गिरोह को पुलिस पकड़ पाई, क्या उसका आंकड़ा साझा किया पुलिस ने? जी गौरव, अभी तक ऐसा आंकड़ा भी पुलिस की तरफ से कोई मिला नहीं है, और साफ तौर पे मैं बता देता हूँ पुलिस ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए अभी हम कुछ यानी कि कुछ दिन पहले की बात कर लेते हैं, बादशाहपुर थाने के अंतर्गत का पूरा मामला था जब एक बच्चे को उसी के घर के बाहर से गिरोह उठा के ले जाता है और पुलिस उसको मात्र 12 घंटे में सोल्व कर देती है, तो पुलिस ने वहां जरूर वाहवाही अपनी लूटनी चाहिए, लेकिन जो आपने कहा जो आंकड़े हैं ऐसे कितने गिरोह, ये आंकड़ा भी पूछ के देखिए संजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। चलिए तो एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इसके अलावा और भी कारण हैं जिसकी वजह से ये बच्चे गायब हो रहे हैं, और इसमें पुलिसिया फेलियर है या नहीं है, अगर है और पुलिस को ये समझ में आ रहा है पुलिसिया फेलियर है तो उसको काउंटर करने के लिए अपने आप को बेहतर करने के लिए पुलिस ने जो कदम उठाए हैं वो काफी हैं या ना काफी, ये भी समझने की करेंगे कोशिश इस छोटे से ब्रेक के उस पर।
स्वागत है। ये जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, इस डेटा को अगर हम समझने की कोशिश करें, शालिनी जी हमारे साथ लगातार यहाँ पे बनी हुई हैं। शालिनी जी, चलिए आपको रोक रहा हूँ, रणवीर जी हमारे साथ पूर्व आईजी इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रणवीर जी, ये जो गुरुग्राम के आंकड़े हम देख रहे हैं जिसमें बच्चों के गायब होने का सिलसिला बदस्तूर बढ़ता नजर आ रहा है, इन आंकड़ों को आप कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं, इसमें कहां कमी रह जा रही है? हेलो, मैं दोबारा बोलना है, बच्चों के क्या हुआ? बच्चों के गायब होने का जो सिलसिला चल रहा है, उसके जो आंकड़े अभी आए हैं सामने, ये बहुत डराने और चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप बीइंग पुलिस ऑफिसर, क्योंकि आप रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या कारण है? मोटे मोटे इसके लिए तीन कारणों पे मैं ज्यादा तवज्जा दूंगा। सबसे पहला कारण है आपका घर, घर में माँ बाप का रोल, भाई बहनों का रोल, और जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें आपसी जो टूटन है, बिखराव है ज्वाइंट फैमिली का, वो सबसे मैं मेन कारण जानना। तो माँ बाप अकेले हो गए, नौकरी पेशे वाले हो गए, तो बच्चे होकर के परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है। ठीक है, हेलो, ठीक है, ठीक है सर, सुन रहे हैं। नंबर एक तो कारण ये बता रहा, दूसरा इसमें मेन कारण रहता है आसपास का माहौल, सामाजिक माहौल। आजकल जो ये नया सोशल मीडिया का सिस्टम आया, उससे बच्चे अलग तरीके से इमोशनल और मोटिवेट होते हैं गलत चीजों के। ठीक है, तो उस माहौल में भी बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करते हुए और ऐसे सबजबाज या सपने सोच लेता कि मैं बाहर निकलूंगा तो ये कर दूंगा। ठीक है, तीसरा सर? तीसरा मेन कारण पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। अच्छा, जिस भी किसी बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखाई जाती है तो पुलिस उसके ऊपर कोई तवज्जा नहीं देती। उसका कारण है कि वो मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, एक बच्चा अपनी मर्जी से कहीं चला गया तो चला गया, हम रिपोर्ट लिख के उसके बस डाल देते हैं फाइल के ऊपर। तो मोटे मोटे, हेलो जी, सुन रहे हैं सर, मुझे आपको नहीं लगता है कि इसमें पुलिस का रवैया जो है वो नंबर एक पे रखा जाना चाहिए? ठीक है, कोई बच्चा अगर घर में अकेला फील भी कर रहा है, लेकिन उसको वहां से गायब होने में कोई सोर्स तो होगा, कोई चोर तो होगा, कोई किडनैपर तो होगा जो उसको ले जाता होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए या बाकी किसी काम के लिए, उसको अगर पुलिस रोक पाए। हेलो जी, बोलिए सर, सुन रहे हैं आपको। पुलिस एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के ऊपर होती है, पुलिस का जो रोल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, मेन रोल जो है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे आके टिकता है। मैं मानता हूं कि पुलिस भी सेंसिटिव होनी चाहिए, इस मामले में सेंसिटिव होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये अंग्रेजों वाली पुलिस है, मतलब अंग्रेजों वाली पुलिस का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी कायदे कानून है और उस कायदे कानून में उनके पास इतनी ड्यूटियां हो जाती है, वीआईपी ड्यूटीज है, लैंड ऑर्डर की ड्यूटीज है, प्लस किसी दूसरी मतलब कोई लूट डकैती की है, वो प्रायोरिटी ज्यादा होने की वजह से इसको प्रायोरिटी इतनी नहीं दी पाती है कानून। चलिए सर, समझिए आप जो कह रहे हैं, आप पुलिस सुधारों की बात कर रहे हैं, रेणु भाटिया जी बीजेपी से जुड़ गई हैं, शायद इस बात से सहमत हो कि पुलिस को सुधार की जरूरत है। रेणु जी, गुरुग्राम से जो आंकड़े हैं बच्चों के गायब होने के पिछले लगातार कई सालों से, वो डराते हैं आपकी सरकार को या नहीं? एक बात है, आपके माध्यम से अभी मुझे ये आंकड़े पूरी तरह से पता लगे हैं, पर मुझे नहीं लगता ये कितने करेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है और अगर वाकई इतना बड़ा है, 150 की अगर अंतर भी हो, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, पुलिस का है। नहीं, मैं तो ये बात कह रही हूँ कि अगर कुछ थोड़ा बहुत कम भी होगा तो भी बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि एक बच्चा भी उतना ही मायने रखता है जितना 1600। लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है कि इतनी लापरवाही और इतनी गुरेज क्यों की पुलिस ने काम करने में। इस चीज के ऊपर पूरा वर्किंग होनी चाहिए और मैं आपके इस फोनों के बाद तुरंत प्रभाव से चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों से जरूर संपर्क करूंगी कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह से। रेणु जी, आपसे गुजारिश एक और है कि जरा पुलिस से एक डेटा आप हमारे लिए और मांग लीजिएगा कि ये तो जितने बच्चे गायब हुए हैं उसका डेटा तो आप उपलब्ध करा रहे हैं, कितने जो चाइल्ड किडनैपर्स हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले हैं उनमें से कितनों को गुरुग्राम पुलिस ने अरेस्ट किया इन ही 7 सालों में, एक डेटा वो भी मांग लीजिएगा, आपको हम दोबारा जोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शालिनी जी, जल्दी जल्दी ये जो डेटा है हमारे सामने, क्या ये डेटा अपने आप में, इसको अगर बेहतर हम एनालिसिस इसका करें तो बहुत सारे सवालों का जवाब इस डेटा से ही मिल सकता है और तब शायद ज्यादा बेहतर प्लान बना पाए पुलिस।
गौरव जी, डेटा का एनालिसिस करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह से हमारे अभी एक आईजी जो थे पुलिस के, उन्होंने जो बात कही कि कई बच्चे अपने आप चले जाते हैं घर से, ये डेटा उन बच्चों उसमें से इतने ये वाले बच्चे कितने हैं, मेरा मानना है कि अगर आप देखेंगे तो ये बच्चे बहुत कम होंगे। ज्यादातर बच्चे जो हैं बेसिक प्रॉब्लम जो है चाइल्ड किडनैपिंग का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की वजह से है कि जिन बच्चों को ऑर्गन ट्रेड में, जिन बच्चों को कमर्शियल सेक्स वर्कर्स बना दिया जाता है, 40% जिनकी ट्रैफिकिंग होती है, 40% जो बच्चे जो लोग कमर्शियल सेक्स ट्रैफिकिंग में, सेक्स जॉब्स में इन्वॉल्व हैं, उसमें से 40% बच्चे हैं। 76% जो गायब होते हैं वो लड़कियां और महिलाएं हैं। ये ट्रैफिकिंग का के फिगर्स हैं। और इंडिया में 10% जो हैं वो इंटरनेशनली आते हैं, यानी नेपाल वगैरह से बाहर से लेके आई जाती हैं लड़कियां, और 90% बच्चे इंडिया के ही हैं अपने आप, जो इंडिया में ही इन चीजों के लिए घुमाए जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर्स हों यानी आपके घर में काम करने के वालों के लिए हों, चाहे वो बॉन्डेड लेबरर्स की तरह यूज किए जा रहे हों, चाहे ऑर्गन ट्रेड के लिए या बेगिंग के लिए। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ये हर चीजें। देखिए, सबसे पहला सवाल ये उठता है जो हमें पूछना चाहिए कि ये चीजें सस्टेन कैसे होती हैं। ये एक नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब है कि नेटवर्क तभी सस्टेन होते हैं जब उसमें कहीं से पैसा आ रहा होता है, और जितनी गरीबी होती है उस हिसाब से भी कई बार बच्चे बेचे भी जाते हैं। कई कम्युनिटीज ऐसी हैं जहां कई इतनी गरीबी है कि माँ बाप अपने बच्चे खुद बेचते हैं, पर वो एक बहुत छोटा सेगमेंट है। लेकिन बड़ा सेगमेंट वो है जिसमें किडनैप कर लिए जाते हैं, क्योंकि सबसे आसान तरीका है, सबसे वल्नरेबल सेगमेंट जो है, सबसे आसानी से जो आप पे विश्वास कर लेता है, जो कम आवाज उठा सकता है, जिसको आसानी से दबाया जा सकता है, वो एक बच्चा होता है। इसीलिए ये नेटवर्क्स बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे मेरा मानना है कि इसीलिए सरकारों का, पुलिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इसमें करप्शन जो है, मॉरल करप्शन और फाइनेंशियल करप्शन भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि सिस्टम के अंदर के लोग ही इस चीज के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। सबको पता होता है क्या है, मैं नहीं कह रही हूँ कि सब इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर भी लोग हैं, उस सिस्टम के लोग ही इन्वॉल्व हैं, इसी वजह से ऐसा होता है। आपको माफी के साथ रोक रहा हूँ, इस पर बहुत और चर्चा की जरूरत है, लेकिन फिलहाल वक्त इतने ही की इजाजत देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप अपने बच्चों का रखिए बहुत ख्याल, क्योंकि पुलिस शायद नहीं रख पा रही है, प्रशासन रख नहीं पा रहा है, आंकड़े कम से कम गुरुग्राम में यही बता रहे हैं। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।